आईनासिन पे पासे वहां के बदाइंदालू ब्रेकिंग न्यूज़ आया था। पीटीआई अगवान हलीम आदिल शेख के नाहल करार देने बाबत सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कई वही है। हलीम आदिल शेख की नाहली बाबत पीपी अगवान अब्दुल रहीम की दरख्वास्त बुधनी थी। एक भेर नाजीन अवसर शेयर कंदी अहम खबर है। पीटीआई अगवान हलीम आदिल शेख के नायल करार दियण बाबत सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कराई वही है। हलीम आदिल शेख की नायली बाबत पीपी अगवान अब्दुल रहीम की दरख्वास्त बुधनी थी है। अदालत दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी कर छाया। अदालत हलीम आदिल शेख के नायल करार दियण बाबत दरख्वास्त धुरन का जवाब तलब कर वरतो है। वहां अपडेट कंदा हलूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ आया तो पीटीआई अगवान हलीम आदिल शेख के नाहल करार दियण की बाबत सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कई वही है। अदालत हलीम आदिल शेख के नाहल करार दियण बाबत दरख्वास्त धुरन का जवाब तलब कर वरतो है। अदालत दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी कर छाया। हलीम आदिल शेख की नाहली बाबत पीपी अगवान अब्दुल रहीम की दरख्वास्त बुधनी थी। इन हवाले से राबतो कर कराची में आवाज़ टीवी के रिपोर्टर महताब शरसान जी। महताब जी, पीटीआई एमपीए हलीम आदिल शेख की नाली लाए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है। जी सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन सूदो वागल दुन के जांच करने लाए दरख्वास्त गुजार और इख्तियार कर छे। हलीम आदिल शेख की इलेक्शन कमीशन में जमा करायल कागज में जी आमदनी या जरिया जी लिखायल उन्होंने जी धीरन के नाले से कुछ जो खर्चा जिक्र ना कियो वे जो कुछ नवाब शाह पोल्ट्री फार्मिंग कॉम्प्लेक्स के भी जाहिर ना कियो। दरख्वास्त गुजार तरफा हलीम आदिल शेख के नाल करार दियण की दरख्वास्त जमा करण नोटिस जारी करने जवाब तलब करने नोटिस जारी किया। ठीक है महताब, बड़ी मेहरबानी। नवाले से अपडेट करने के लिए।